हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दही वड़े की रेसिपी दिखाऊंगी। यहाँ मैंने उड़द दाल का पेस्ट लिया है, दही लिया है और गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा सा नमक, खड़ा जीरा और हींग, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा भुना हुआ पाउडर और यहाँ पे मैंने दो चटनी लिए हैं, इमली के और हरी धनिया की, और एक छोटी सी कटोरी में ठंडा पानी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने जो पेस्ट लिया था, ये हमारा 250 ग्राम उड़द था। मैंने इसे 3 से 4 घंटे फुला के और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं, और थोड़े टाइम, कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने इसे फिर से फूलने के लिए छोड़ा था। और ये देखिए काफ़ी हल्की हो चुकी है। 3 से 4 घंटे फूलने के लिए ज़रूर दें ताकि हमारा बड़ा काफ़ी हल्का बने। और अब मैं यहाँ जीरा और हींग डाल दूँगी। 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैं नमक दूँगी स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़रूर दें। इन सब को अब अच्छे से मिला देंगे इस पेस्ट के साथ। और यहाँ पे मैं हाथों का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपी होती है दोस्तों। और दूसरे साइड में कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल देती हूँ गर्म होने के लिए। गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें अब बड़े दूँगी। आप इसको हाथों को थोड़ा सा पानी से भिगा के गीला करके ही यूज़ करें ताकि ये बड़ा आपका अच्छे से ऑयल में चला जाए, नहीं तो ये फिर हाथ में आपके चिपकेंगे। तो चलिए इसी तरह से सारे बड़ों को मैं डाल देती हूँ। बड़े को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे दोस्तों। बड़े देखिए जैसे तेल से थोड़ा सा ऊपर आने लगे दोस्तों, तो इसको हम पलट देंगे। सारे को धीरे धीरे से ऐसे ही पलट देंगे दोस्तों। तो कितनी ही आसानी से देखिए हमारे बड़े काफ़ी फूल गए हैं और ये दिखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमें इसे पूरा गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सुनहरा कलर में ही रखना है। बड़े को कम स्टीम पे ही पकाते इसी तरह रहना है। तो हमारा हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और यहाँ पे मैं दूसरे छन्नी का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल के साथ बिल्कुल नहीं लेंगे, अच्छे से इसको छानेंगे। तो देखिए ये सारे बड़ों को मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। तो सारों बड़ों को इसी तरह से मैं निकाल लूँगी। तो बड़े छन के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसे थोड़ी बहुत जो भी ऑयल इसमें होगी दोस्तों वो भी मैं निकाल लूँगी। तो निकालने का तरीका देखिए, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें इन बड़ों को आप डाल दें। ज़्यादा समय के लिए बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़े ही समय के लिए डालना है। तो आप देखिए उसमें ऑयल धीरे धीरे सारा रिलीज हो जाएगा। अगर आप पानी में डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं सारे बड़ों को धीरे धीरे करके निकाल लूँगी। बड़े तो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसका घोल तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, थोड़ा सा दही मैं रख लूँगी क्योंकि मैं बाद में इसको यूज़ करूँगी, पहले मैं इसे घोल
मैं डालूंगी सारे बड़ों को। तो दही को अच्छे से मिला देंगे और उसमें एक गिलास के पानी दे देंगे। तो दही का घोल इस तरह से तैयार कर लेंगे और बड़ों को इसमें डाल देंगे। इस तरह से करने से दोस्तों बड़ा अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो दही वाड़े को मैं सर्व कर लूँगी। इसमें कुटी हुई जीरा पाउडर डाल देंगे। तीखा जितना खाना चाहते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये कुटी हुई है। और इसमें थोड़ा सा मैं हरी धनिया की चटनी दे दूंगी। थोड़ी सी चटपटी इमली की चटनी डाल देंगे। और यहाँ पे मैं अनार के दाने डाल दूंगी। तो देखिए ये कितना स्पंजी हो चुका है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।